हिमालय की अत्यंत दुष्कर एकांत और अनछुई वादियों के बीच इस सुरम्य घाटी का नाम है दारमा घाटी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में इस घाटी में बसे हुए इन गांवों सोबला, दर, तीजम, उर्थिंग, सेला, नागलिंग, बालिंग, चल, दुक्तु, दांतु, बोन, फिलम, गो, तिदांग, मार्चा और सीपू को यदि आप देख आए और यहाँ के भोटिया लोगों की रंग संस्कृति को समझ आए तो समझ लीजिए कि आप प्रकृति एवं संस्कृति के दुनिया के बेहतरीन समन्वय का अनुभव कर आए हैं। इनका पहनावा, खान पान, पूजा पाठ से लेकर शादी विवाह तक के इनके हर एक पहलू में भारतीय, तिब्बती एवं मंगोलॉइड संस्कृति के सैकड़ों अनजाने तत्व विद्यमान हैं। ये लोग विगत लंबे समय से एकाकी जीवन व्यतीत करते हुए आ रहे हैं, परंतु विगत कुछ वर्षों में इस घाटी में सड़क के दस्तक देने के बाद देश विदेश के पर्यटक प्रकृति के इस अप्रतिम रूप को निहारते तथा यहाँ के लोगों की अनूठी संस्कृति एवं आतिथ्य भाव का अनुभव करने के लिए यहाँ पहुँचने लगे हैं। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद तिब्बत के साथ अपना लंबा सांस्कृतिक एवं व्यापारिक नाता टूट जाने का दर्द आज भी इनकी जीवन शैली में स्पष्ट देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ आकर भगवान शिव की इस भूमि पर फ्लोरा और फौना के अलौकिक सौंदर्य से भी अपने अंतरतम को स्पर्श कराकर जाइए। जय हिंद।